नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से ही द बॉडी इज प्लेस ऑन एन इंक्लाइंड इंक्लाइन इसकी मेरा ख्याल है स्पेलिंग मिस्टेक है इंक्लाइन प्लेस की जगह दिस शुड बी इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए राइट बॉडी इज प्लेस ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड हैज़ टू बी पुश डाउन इन ऑर्डर टू मेक इट मूव सवाल है एंगल द एंगल मेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन विद द वर्टिकल विल बी एक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज या मोर दैन एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना इस सिचुएशन को समझना कि ये आपका इंक्लाइन uh, प्लेन है थोड़ा सा तो टेढ़ा बनाए बट देट्स ओके ये आपका थीठा एंगल है और यह आपका ब्लॉक है जो यहाँ पर रखा हुआ है Now, हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका एंगल ऑफ रिपोज जो है मैं थोड़ा सा आपको आ, थोड़ी रिवाइज करवाता हूँ इसकी एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ रिपोज हम ये कहते हैं कि एट एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर पे आपका एम जी साइन थीटा जो आपका ड्राइविंग फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा जो आपका पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होएगा और ये आपका नॉर्मल होता है तो म्यू एन आपका तो इस केस में दोनों की वैल्यू बराबर होएगी एम जी एम जी अगर हम कैंसिल कर दें तो हम यहाँ पे कहते हैं टेन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू इसी को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं तो इस केस में आपका अगर एंगल थीटा जो है हम ये कहते हैं इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर आपका जो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन है या एंगल ऑफ विपोज है उससे ज्यादा इंक्लाइन का एंगल है तो बॉडी विल मूव ऑन इट्स ओन अपना जो स्नैरियो है यहाँ पे है आपने को स्नैरियो दे रखा है हैज टू बी पुश डाउन इन ऑर्डर टू मेक इट मूव यानी कि आपका थीटा जो है इस स्नैरियो में थीटा इज लेस देन थीटा आर आपको धक्का देना पड़ेगा बॉडी को नीचे लेके आने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा अपने आप नहीं आ रही है इसका मतलब है कि आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपका फ्रिक्शन का जो एंगल है या एंगल ऑफ रिपोज है उससे वैल्यू इसकी कम है राइट सो हम यह कह सकते हैं एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ आपका थीटा विद द वर्टिकल ये होगा लेस देन आपका एंगल ऑफ रिपोज सो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट आंसर